आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर आपको मात्र 1500 रुपए देने हैं, यानी दिन के आपको 50 रुपए अलग से निकालने हैं। उसके बदले में आपको 50 लाख रुपए का अमाउंट और 50,000 रुपए हर महीने के मिलने वाले हैं। पूरे प्लान को बारीकी से समझना और कृपया करके इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, तभी आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आने वाला है, अन्यथा आप अभी भी क्विट कर सकते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर, पूरा एक एक प्लान को एनालिसिस करना पड़ता है, तो प्लीज अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। वीडियो में क्या कमी रही वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। आने वाले वीडियो के अंदर उसके अंदर सुधार करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे SBI के ही एक प्लान के बारे में। SBI के अंदर आपका भरोसा बहुत तगड़ा वाला रहता है और सभी का रहता है। SBI एक बहुत शानदार म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर हम निवेश करने वाले हैं। अब प्लान में आपको बताऊं, उससे पहले मैं कैलकुलेशन के ऊपर बात करने वाला हूं। साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने यहां से ऑन कर दी है। अब देखिए, अब मैंने कहा है 1500 रुपए आपको एवरी मंथ देने हैं, यानी 1500 रुपए ही मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट रखा है। साइड में आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मैं यहां पर 20% की रख रहा हूं। 20% मैंने रखी है और उससे ज्यादा आपको मिलने वाली है, वो हम आगे प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बस शर्त है, वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। अब यहां से टाइम पीरियड मैंने यहां पर 10 साल का कैलकुलेट किया है, जो कि मैंने थंबनेल के अंदर लिखा था, मात्र 10 साल। अब 10 साल आप रखते हैं, आपका जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है 1,80,000 रुपए, यहां से आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। और आपका जो टोटल वैल्यू इस अमाउंट की 10 साल बाद होगी वो हो रही है 5,73,000 रुपए। लमसम एक अमाउंट आपके पास में हो रहा है, यानी 4.5 लाख रुपए हम यहां से मान सकते हैं। अब देखिए क्या है, अब मात्र 6 लाख रुपए हो रहे हैं 10 साल के अंदर। आपकी एज 30 साल है सर, मैं कहता हूं इसको आप 20 साल के लिए कर दीजिए, यानी 50 साल तक के लिए आप कर दीजिए। आपकी एज 50 साल होगी, जब तक के लिए आप इसको लॉक कर दीजिए। यदि हम कैलकुलेशन 20 साल के अकॉर्डिंग करते हैं तो देखिए आप जादू, आपका पैसा जस्ट डबल हुआ है। मानते हैं पैसा आपका जस्ट डबल हो गया है, 3,60,000 रुपए आपके यहां पर जा रहे हैं। आपका जो टोटल वैल्यू है वो हो गई है अब 47 लाख रुपए, और 20% मैंने जोड़ा है, जबकि इससे ज्यादा का आपका मिलने वाला, इससे ज्यादा मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, 20% से ज्यादा ही प्लान के अंदर अभी तक है। SBI का ही प्लान है, हाँ मैं दिखा रहा हूं आपको। अब 20% है, 20 साल के लिए रखा है, 1500 रुपए देने हैं और 50 लाख का अमाउंट आपको यहां से मिल रहा है। अब हम बात करते हैं प्लान की। अब ये गणित आपने समझ ली, 20% मिल रहा है, 1500 रुपए हर महीने देने हैं, यानी 50 रुपए एवरी डे, मतलब हर रोज के आपको निकालने हैं यहां से। अब हम प्लान की बात कर लेते हैं। प्लान है SBI का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। नाम इसका दोबारा रिपीट कर देता हूं, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। यहां पर आप देखेंगे ऊपर ऊपर 25% तक का रिटर्न है। मैंने कैलकुलेशन 20 के हिसाब से की है, उसके अंदर पैसा एड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम राउंड फिगर में 50 लाख रुपए लेकर चल रहे हैं। वो एकमुश्त आपको मिल रहा है 20 साल बाद 50 लाख रुपए। जैसा मैंने वीडियो में कहा था, कोई भी घपलेबाजी नहीं बता रहा हूं आपको, सीधा पूरा लीगल प्लान है। 25% का रिटर्न यहां पर आपको दे रहा है SBI स्मॉल कैप फंड। 146 का NAV चल रहा है। अब हम भैया इसके अंदर इन्वेस्ट क्यों करें, थोड़ा सा डिटेल में भी बता देता हूं शॉर्ट के अंदर। AUM फंड साइज इसका होता है 21,320 रुपए, और यहां पर आप SIP कर सकते हैं मिनिमम 500 रुपए की। हम तो 1500 रुपए लेकर चल रहे हैं दिन के, 500 रुपए बराबर। और ये जो पैसा इन्वेस्ट आपका करते हैं, ये निफ्टी बैंक के अंदर करते हैं, ब्लू स्टार के अंदर करते हैं, और भी तरह तरह के स्टॉक्स के अंदर करते हैं। सेक्टर वाइज नजर मार लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। सर्विसेज के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर डिक्शनरी में ये इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल गुड्स में करते हैं, और अदर्स के अंदर ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपका जो पैसा है वो इन इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। अब आप बोलेंगे भैया 50 लाख रुपए तो मिल गए, लेकिन 50,000 रुपए कहाँ है मंथली, जो आप कह रहे थे कि मंथली 50,000 रुपए में मिलेंगे। जी हाँ, वो भी मैं गणित बताता हूं। अभी देखो, हमने डिस्कस किया है ये वाला जो प्लान है SBI का, 1500 रुपए देने हैं, 20 साल के लिए देने हैं, 20% मैंने इसका रखा था। तकरीबन एक एवरेज लेकर चलते हैं, 50 लाख रुपए आपको मिल गए हैं 20 साल के बाद में। अब ये 50 लाख रुपए आपके हाथ में आएंगे, अब भैया पैसा तो हाथ का मैल है, आते ही फुर गायब, इधर उधर आप लगा देंगे, बेटों को पोतों को आप दे देंगे कि ले तू भी जमीन ले ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू गाड़ी ले ले। तो ये पैसा आपको खर्च नहीं करना है, 50 लाख रुपए आपके पास में आ रहे हैं, इसी से आप और तगड़ा मोटा पैसा बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे सर? SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी तक आप यही सुनते हुए आए हैं, सभी लोग यही बताते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं भी यही बताता हूं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि आप निवेश करो, अच्छा दे रहा है। एडवर्टीजमेंट में भी आप सुनते होंगे म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करो जोखिम हो सकता है, निवेश करो जोखिम हो सकता है।
अब हम बात करेंगे SWP प्लान की। स्क्रीन रिकॉर्डिंग साइड में ऑन कर रखी है मैंने, कुछ भी मैं आपसे छुपा नहीं रहा हूं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है SWP। यहां पर मैंने अमाउंट लिया है 50 लाख रुपए का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 50 लाख रुपए का मैंने यहाँ पर अमाउंट लिया है। 50 लाख ही ना, 50 लाख रुपए का अमाउंट मैंने यहाँ पर लिया है। आपके पास में 50 लाख रुपए आ चुके हैं, तो 50 लाख हम देंगे SWP प्लान के अंदर। ये भी एक तरह से म्यूचुअल फंड ही होता है जिसके अंदर आप पैसा देंगे 50 लाख, एक मुश्त आपने दे दिया 50 लाख रुपए। अब आप शर्त रखेंगे कि नहीं, मेरे को 50,000 रुपए एवरी मंथ चाहिए। वो बोलेंगे कंपनी, म्यूचुअल फंड बोलेगी हम दे देंगे। अब आपको लेना है 6% के अकॉर्डिंग। आप बोलेंगे कि कितने साल तक के लिए चाहिए, मैं कहता हूं आने वाले 10 साल तक के लिए आप ले डालो 50,000 रुपए ले डालो। आप 50 लाख रुपए दे रहे हो, 50,000 रुपए बदले में ले रहे हो, कम भी ले सकते हो इससे, 50,000 से कम भी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा रिटर्न रेट ऑफ 6% रखना, इससे ज्यादा मत रखना, क्योंकि आपका पैसे की वैल्यू फिर कम हो जाएगी वहां पर, कम टाइम के लिए आप ले पाओगे। अभी हमने लॉक कर दिया है 10 साल के लिए, यहां पर इसको लॉक किया है। अब कैलकुलेशन समझना, टोटल इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो आपका जा रहा है 50 लाख रुपए आप दे रही हो, आपने टोटल विड्रॉल कर लिया है 60 लाख रुपए। सर 60 लाख रुपए कर लिया, आप बोलोगे आप 50 लाख दिया है, 60 लाख कैसे मिल गया है? इसके अलावा जो आपके फाइनल वैल्यू आपको जो मिलेगा ना 10 साल के बाद में, वो 8,30,000 रुपए और से मिलेंगे आपको, हाथ में कैश इन एंड 8 लाख रुपए आपको और मिलने वाले हैं यहां पर। अब ये कैसे हुआ है? ये हुआ है, देखो आपने 6% के अकॉर्डिंग रिटर्न लिया है सर, 6% के अकॉर्डिंग, जबकि रिटर्न रेट ऑफ ज्यादा होगा वहां पर, रिटर्न रेट ऑफ 15% 20% होगा, लेकिन आप विड्रॉल कर रहे हैं 6% के अकॉर्डिंग। ये कैलकुलेशन कोई नहीं समझाता है, ध्यान से समझना। जितना आपका अमाउंट है ना उसके ऊपर, जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके परसेंटेज से अपना परसेंटेज कम कर लेना, 6, 7, 8 यही परसेंटेज रखना। अब देखो मैं इसको बढ़ा दूंगा ना, 8% कर दूंगा, तो आपका देखो इस यहाँ पे अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर अमाउंट में डिफरेंस आ गया। अब आपको यहाँ पर 17,88,000 रुपए आपको यहां से फिर मिलने वाले हैं, फाइनल वैल्यू 10 साल के अंदर इसकी ये हो जाएगी, लेकिन हम इसको कम पे ही विड्रॉल रखेंगे। माफ कीजिएगा, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट यहां पर काउंट कर रहा है, इसको हम ज्यादा भी कर सकते हैं, तो आपको इतना अमाउंट तो यहां से मिल ही जाएगा, लेकिन जो विड्रॉल है वो कम पर आप रखना है आपको। और जैसे मैंने विड्रॉल आपको कैलकुलेशन करके बता दिया, 50 लाख देने पर 50,000 रुपए आपको 10 साल के लिए मिलेंगे, तो आपके पास में इतना अमाउंट आप यहां से ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो ये SWP प्लान मैंने आज आपको समझाया है, SIP के साथ ही समझाया है कि एक साथ पैसा देने का क्या फायदा होता है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर पैसे की इंपॉर्टेंस ही, जब एक एज हो जाती है ना आदमी की 45 साल 50 साल 60 साल, फिर भैया हाथ घोड़े काम नहीं करते हैं, जब हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो एवरी मंथ खर्चा कहां से चलेगा आपका? आपका खर्चा SWP प्लान से निकल सकता है बहुत आसानी से। और मैं कहता हूं 50 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं, आप एक जगह मत डालो उसको, आप या तो 10 लाख रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर दो, कोई LIC के अंदर कर दो। सजेस्ट करूंगा आजकल सबसे ज्यादा भरोसा LIC के ऊपर रहता है लोगों का, 40 लाख इधर डाल दो या 30 लाख 20 लाख इधर डाल दो, बाकी का अमाउंट आप किसी और जगह पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, टुकड़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ताकि एवरी मंथ आपके पास में एक मुश्त अमाउंट आता रहे और आपकी जिंदगी बढ़िया खुशहाल तरीके से बीतती रहे।